हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली 75 किलोमीटर की तिरंगा रैली। दादा कोटेश्वर धाम लांजी में होगा समापन। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता लाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सोमवार को तिरंगा रैली निकाली गई। सोमवार को नगर के जयस्तंभ चौक से इस रैली का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में वंदे मातरम समिति के साथ मिलकर युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर के जयस्तंभ चौक से किया। यहां से 75 बाइक रैली निकाली गई, जिसमें रुद्र एकेडमी के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया, जो बाइक एवं मैराथन दौड़ करते हुए बालाघाट से लांजी तक की दूरी तय करेंगे। इस दौरान नवेगांव लोहारा हट्टा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा तिरंगा रैली का स्वागत करते हुए पानी फल आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। यह तिरंगा रैली रात्रि विश्राम किरणापुर में करने के बाद मंगलवार की सुबह 10 बजे से पुनः निकलेंगी और दादा कोटेश्वर धाम लांजी में पहुंचेंगी और लांजी के सुभाष चौक में इसका समापन किया जाएगा। थोड़ा सा और पीछे लो, सब कवर हो जाएगा, माइक तो लगेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, युवा मोर्चा आगे किस तरह के कार्यक्रम रैली निकाली जाएगी? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में 8, 9 और 10 अगस्त को 75 किलोमीटर लंबी संकल्प यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हर जिले में किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे बालाघाट जिले में भी आज 8 तारीख से भव्य तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर लंबी, जो हट्टा किरणापुर होते हुए लांजी में जिसका समापन होना है, इस रैली के आज शुभारंभ कार्यक्रम में वंदे मातरम समिति के साथ मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यहाँ से हम 75 बाइक की रैली निकालते हुए हनुमान चौक नवेगांव होते हुए हट्टा पहुँचेंगे। हट्टा के बाद किरणापुर में इस रैली का रात्रि विश्राम होगा। कल सुबह पुनः एक बार 10 बजे किरणापुर से ये रैली निकलेगी और दादा कोटेश्वर के धाम लांजी पहुँचकर इस रैली का भव्य समापन स्थानीय सुभाष चौक में वहाँ पर किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त तक युवा मोर्चा के रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता घर घर तक जाकर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। ऐसे अनेकों कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आगामी 15 अगस्त तक किया जाना है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले इन सभी कार्यक्रमों में आप लोग भी अपना सहयोग दें, अपने घरों में तिरंगा बांधें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।